गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 14 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर की 13 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं वीडियो के माध्यम से। टुडे प्रेजेंट इस वीडियो नंबर 14। बुक है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चैप्टर फर्स्ट बेसिक ऑफ इंटरनेट। टॉपिक है आपका वेब पेज एंड वेब ब्राउजर। और आप जो टॉपिक आज का है वो आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे और डेली यूजेज भी होंगे। वेब पेज को भी आप जानते होंगे और वेब ब्राउजर को भी जानते होंगे, लेकिन क्योंकि जो मेरी वीडियो देख रही है वो किसी से 9th क्लास के, तो 9th क्लास के बच्चे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग सबके पास मोबाइल होता है, चाहे फादर के पास या मदर के पास या ब्रदर के पास या सिस्टर के पास, किसी ना किसी के पास घर में मोबाइल जरूर होता है। और 9th क्लास के बच्चे ऑब्वियसली चलाते भी होंगे क्योंकि वेब ब्राउजर को यूज करते भी होंगे, सब करते होंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए अब आपको वेब पेज और वेब ब्राउजर को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस वीडियो नंबर 13 में आप कंस्ट्रक्शन ऑफ वेबसाइट, वीडियो नंबर 12 में और 13 में कंस्ट्रक्शन ऑफ वेबसाइट को बनाते किस तरीके से, वेबसाइट को यूजेज किस तरीके से करते हैं, ये सारा एक्सप्लेन मैंने आपको किया है, क्लियरली किया है मैंने आपको एक्सप्लेन। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आप सब पहले प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर वीडियो नंबर 14 को सीव करें। ठीक है, वेब ब्राउजर और वेब पेज को बताने से पहले देखिए बेटा, वेब पेज सबसे पहले आता है वेब पेज। जब भी हम साइट तो बना लिया हमने, साइट का यूजेज भी पता हो गया, साइट का हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ये भी हमें मालूम हो गया। अब आता है वेब पेज। वेब पेज कहाँ होता है? वेब पेज आप खुद जनरेट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं वेब पेज को। वेब पेज को जरूरी नहीं है कि आप जगह, मैंने आपको बताया था जब डोमेन नेम, जब आप डोमेन नेम ले लोगे, जब भी आप डोमेन नेम लोगे तो आपको एक वेब पेज जनरेट करके देता है डोमेन नेम वेब पेज जनरेट करके देता है। और वेब पेज जनरेट ना भी करके दे तो आप खुद जनरेट कर सकते हैं, ये भी आपको मैं प्रैक्टिकली बेस पे बताऊंगा। लेकिन वेब पेज को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी हम कोई भी वेब ब्राउजर खोलते हैं, वेब ब्राउजर खोलते समय जो पेज दिखाई देता है, वो वेब पेज होता है। गूगल हमने खोला, गूगल पर हमने कोई भी सर्च किया तो हमने पेज खोला और जो होम पेज हमें दिखाई देता है वो कौन सा पेज होता है? आपका वेब पेज। ठीक है, वेब पेज में ही आपका जो भी आपका वेब ब्राउजर है वो आप सर्चिंग ऑप्शन करते हैं, इसके अलावा उसके बारे में जानते हैं, उसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाता है, ये सब कुछ वेब पेज के ऊपर दिया जाता है। जो आपको जनरेट HTML के अकॉर्डिंग, HTTP के अकॉर्डिंग, सब कुछ आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, वेब पेज आप अच्छी तरह से जब इंटरनेट का यूजेज करते हैं तो वेब पेज के बारे में आपने देखा हो, वेब ऑब्वियसली वेब ब्राउजर के बारे में सब जानते होंगे, गूगल के बारे में आप सब जानते हैं, गूगल क्रोम के बारे में भी जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, और फायरफॉक्स के बारे में, मोजिला के बारे में और bing.com, ask.com, कई ऐसे ब्राउजर हैं जिनपे हम सर्चिंग इंजन है, जिन्हें हम सर्च इंजन बोलते हैं, जो हमारे ब्राउजर है ना, ब्राउजर को ही सर्च इंजन बोलते हैं। चाहे आप सर्च इंजन बोलो चाहे ब्राउजर बोलो, बात एक ही है। इसमें हम दुनिया की, जो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो खबरें होती है, जो भी हमारे वर्ल्ड की जो भी जानकारियां होती है, वो सब कुछ इसमें होता है, वेब ब्राउजर के अंदर इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। और ये डोमेन नेम परचेज किया जाता है। अब जैसे गूगल ने परचेज कर रखा है google.com, फेसबुक ने परचेज कर रखा है facebook.com। आप देखिए जब हम फेसबुक खोलते हैं, इमेजिन दैट जब हम फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक पे भी हम होम पेज देखते हैं। जब फेसबुक हम आप जनरेट करते हैं फेसबुक, आपको जब खोलते हैं गूगल पर तो आपको होम पेज दिखता है, वो भी आपका वेब पेज ही हो जाता है। गूगल पर हम खोलते हैं, गूगल हमें लिखा हुआ दिखाई देता है, इंटरनेट सबने चलाया होगा और गूगल हमें जब दिखाई देता है तो आपको जानते होंगे अच्छी तरह से कि गूगल पर जब पेज खुलता है तो गूगल दिखाई देता है,
और बगल में आपको सर्च इंजन दिखाई देता है, सर्च करने का ऑप्शन दिखाई देता है। अब वो सर्च ऑप्शन यदि हमें दिखाई देता है तो वो ही आपका वेब पेज है। वेब पेज आप जो भी खोलोगे, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करोगे जो पेज खुलेगा आपका, जो भी आप कुछ भी बोला तो पेज खुलेगा, वो भी आपका वेब पेज। लेकिन वेब ब्राउजर अलग है, वेब पेज अलग है। ध्यान रखिए वेब ब्राउजर और वेब पेज में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वेब ब्राउजर में आप सर्चिंग इंजन है जो सर्च करते हैं सारी चीजें, और जो पेज खुलता है, जो पेज ओपन रहता है, जब भी आप गूगल खोलते हैं पेज ओपन रहता है, वो वेब पेज होता है। वो आप जीमेल का भी हो सकता है, फेसबुक का भी हो सकता है, गूगल का भी हो सकता है, एनी अदर साइट, एनी अदर डोमेन नेम जो भी है उनका वेब पेज अलग अलग भी होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही वेब पेज होता है, अलग अलग वेब पेज होता है जिसमें आप सर्च इंजन का आप यूज करते हैं। वेब पेज बताने से, वेब पेज आपको बता दिया, वेब ब्राउजर आपको अच्छी तरह मालूम भी है। अब देखिए बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया, देखो वेब पेज का आपको मालूम हो गया, वेब ब्राउजर का बता देता हूँ। वेब ब्राउजर का आप डेली यूजेज भी करते हैं, और हर एक जो भी अब 9th क्लास के अंदर है तो आप सबने यूजेज भी किया होगा, प्रीवियस क्लासों में भी यूजेज नेट चलाया होगा, और आज तो आज की जनरेशन में तो छोटा बच्चा भी नेट चलाता है, गेम खेलता है और नेट का यूजेज करता है, डाउनलोडिंग करता है। छोटा बच्चा भी जो 6th या 7th ईयर का ही होता है, 8th ईयर का होता है, वो भी आपका यूजेज करता है। और मैं तो ये ज़्यादा एज बोल रहा हूँ, उससे भी छोटे बच्चे यूजेज करते हैं मोबाइल का, और जब मोबाइल का यूजेज करते हैं तो गूगल पर जाते ही हैं। ठीक है, सर्च इंजन सर्च का आपको पता है कि जो आज की जनरेशन है वो बहुत स्पीडली आगे बढ़ रही है। जो आज की जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंप्यूटर जो सब्जेक्ट में आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जो पहले की जनरेशन है और आज की जनरेशन बहुत डिफरेंस है। क्योंकि पहले की जनरेशन कंप्यूटर का जो नाम सुनते थे तो कंप्यूटर के लिए अजब लगता था, लेकिन आज की जो जनरेशन है कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट आता है। कि आज जितने भी है कईयों के घर में आपको मिल जाएगा, कईयों के घर में कंप्यूटर नहीं मोबाइल मिलेगा, तो हर के घर में आपको मोबाइल मिल जाएगा। पहले एक मोबाइल होता था और आज हर के पास, ऐसे हर के पास एक ही मोबाइल अलग अलग होता है। ऐसा ही होता है ना कि हर के घर में लैपटॉप या कंप्यूटर में से एक चीज मिल जाएगा, यदि दोनों चीज ना मिले तो मोबाइल सबके पास मिलेगा, ऐसा ही होता है। यही आपका आज के जनरेशन है, इसलिए कंप्यूटर सब्जेक्ट को आज इतना आगे बढ़ चुका है कंप्यूटर सब्जेक्ट। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो भी चीज पढ़े आप बहुत अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आता है, कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको हमेशा काम आता है, और आपके हमेशा ही ये यूजेज रहेगा। क्योंकि आप चाहे जॉब पे जाए, चाहे आप एनीवन फ्यूचर में आप कोई भी स्ट्रीम यूज करें, जो भी आप कॉलेज में जाए या कुछ भी है, तो आप वहां पर ऑनलाइन स्टडी या कुछ भी करेंगे तो आपको सब चीज का कंप्यूटर यूजेज आएगा। उसके बारे में आपको मैंने आपको देखिए एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स, चाहे वो वेबसाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो वेब पेज से रिलेटेड हो, चाहे वेब ब्राउजर से रिलेटेड हो, या एनी अदर इंटरनेट से रिलेटेड हो, मैंने आपको एक एक छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ, जिससे आपका बेस इतना डीपली हो जाएगा अच्छा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो अब देखिए कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड के ऊपर। वेब पेज, ए वेब पेज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पेज, और वेब पेज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेज, इज ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। किसका पार्ट है, www का। हम प्रीवियस वीडियो में वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिन्होंने जिन बच्चों ने भी नहीं देखी है तो पहले आप उनको देखें और फिर वीडियो नंबर 14 को सीख करें। वर्ल्ड वाइड वेब का अलग टॉपिक की अलग वीडियो मैंने आपको अलग क्लास कनेक्ट की थी वीडियो के माध्यम से, तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आप जानते हैं, www किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो देखिए ए वेब पेज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पेज, एक इलेक्ट्रॉनिक पेज के नाम से भी जानते हैं, इज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। किसका पार्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का। दी बेसिक यूनिट एवरी वेबसाइट, बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट, मैंने आपको बताया था वेब पेज के एवरी वेबसाइट को ओपन करते हैं, और डॉक्यूमेंट ऑन द वेब इज वेब पेज कनेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, और साइट का भी डॉक्यूमेंट ओपन ही करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन भी कनेक्टिंग करती है, सॉरी कंटेनिंग करती है, कनेक्टिंग नहीं है कंटेनिंग है। दी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि
Content the web browser software is specifically designed, उसको design भी करके convert the HTML readable document. और web browser से तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, आप सब जानते हैं, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. वेब ब्राउजर आप गूगल क्रोम, गूगल सब चलाते हैं, मोजिला, फायरफॉक्स आप सब यूजेज करते हैं, उस पर आप वर्ल्ड की जितनी भी साइट्स हैं उसको ओपन कर सकते हैं और साथ साथ और उसको यूजेज भी कर सकते हैं और नई नई चीजें बातें सीख भी सकते हैं, चाहे बुक से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके पिकनिक से रिलेटेड हो, चाहे आपके हिस्टोरिकल पैलेस से रिलेटेड हो, किसी भी बात की हिस्ट्री है, किसी भी चीज के बारे में आप जान सकते हैं ब्राउजर से. ठीक है, क्लियर हो गया. एग्जांपल आपका गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने. बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप, यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे आपका नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 15 के अंदर आपका सॉल्यूशन डेफिनेटली किया जाता है. हर वीडियो में कोई भी कमेंट्स बॉक्स में किया जाता है तो आपको जरूर बताया जाता है. ठीक है, कोई भी एक्सप्लेन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.